नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ गिरिराज सिंह राठौड़। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी के लिए गंदी नाली शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी ठीक नहीं है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा में पहले ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने एक समय में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जैसा माहौल बनाया था, जिसके बाद जवाब में अधीर रंजन चौधरी मर्यादा ही लांग गए। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में इंदिरा को माँ गंगा और पीएम मोदी को गंदी नाली की तरह बताया। उन्होंने कहा कि दोनों की तुलना ठीक नहीं है, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा मच गया। आप किसी को स्तुति करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। प्रधानमंत्री आपका नहीं, प्रधानमंत्री हमारा भी है, हम सबका प्रधानमंत्री है। लेकिन क्योंकि आपके पार्टी के लीडर है, स्तुति करना ही चाहिए। लेकिन स्तुति करते करते हद की बाहर होना बेमानी लगता है, ये जरूर मैं कहूंगा। कहां माँ गंगा और कहां गंदी नाली, ऐसा फर्क मत करो। हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो, हम भी सम्मान करते हैं, ऐसा बात नहीं। हम शुरुआती तौर पे का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन यू शुड नॉट कंपेयर बिटवीन मॉन्क एंड मॉन्स्टर। अगर नाली में उनका दुख होगा तो मैं मुझे बुरा लगेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को दुख देने के लिए, कोई ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद के साथ नरेंद्र मोदी जी की जिस तरीके को तुलना करते थे, एक जैसे कि स्वामी विवेकानंद वैसा नरेंद्र मोदी, इस तरीके को बयान देते थे, उसलिए मैंने कहा कि आप लोग प्रोवोक कर रहे हैं मेरे को। अगर ऐसा कहे बोलते रहो तो मैं कहूँगा कि गंगा के साथ नाली का तुलना करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मैं कोई ठेस पहुँचाने के लिए, कोई दुख पहुँचाने के लिए, कोई आहत करने के लिए नहीं कहा। अगर इस तरीके का हमारा प्रधानमंत्री आहत होंगे, ठेस पहुँचेंगे, तो मैं खुद उनसे क्षमा मांगूंगा।